हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लार्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम देखिए ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमने ब्लाउज के कपड़े को काट लिया है। शोल्डर हमने 5 इंच लिया है, लंबाई हमारी 14 इंच है, चौड़ाई हमारी 10 इंच है, 6 इंच पर हमने मोढ़े का निशान लगाकर काटा है। अब हम ऊपर से 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और यहाँ पर देखिए गले की डिपनेस हम 9 इंच रखेंगे, तो हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से देखिए हम बॉक्स बना लेंगे और राउंड गले का इस तरह से शेप देंगे। देखिए हमने राउंड गले का शेप दे दिया है। अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए हमने इसे काट लिया है। यहाँ पर देखिए हमने एक पेस्टी पेपर लिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 10 इंच है। तो देखिए हम इसे इस तरह से पहले रखते हुए गले का शेप दे देंगे, इस तरह से देखिए। और यहाँ पर हाफ हाफ इंच पर निशान लगाते जाएंगे, इस तरह से देखिए। यहाँ पर हमने हाफ हाफ इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ पर देखिए हमने एक चूड़ी लिया है, इसे 3-3 इंच की दूरी रखते हुए हम इसे राउंड गले का शेप देंगे, इस तरह से देखिए। इस तरह से हम राउंड गले का शेप दे देंगे, इस तरह से राउंड राउंड चूड़ी की मदद से। और इसे देखिए हम इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए हमारा ये पैटर्न कट के तैयार हुआ है। यहाँ पर कोने को राउंड करते हुए काट लेंगे। तो देखिए हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए हम एक गोल्डन कपड़ा लिए हैं और इसे देखिए डबल फोल्ड कर लिए हैं। और पहले हम इस पैटर्न को रखेंगे जो गले हमने काटे थे, उसके बाद हम इस पैटर्न को रख लेंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से। और उसके बाद हम राउंड गले का शेप दे देंगे। यहाँ से देखिए 1-1 इंच की मार्जिन रखते हुए, पेस्टी पेपर से दूरी रखते हुए 1-1 इंच पर हम इसे निशान लगाकर काट लिए हैं। और यहाँ पर गले को भी काट लेंगे। यहाँ पर देखिए हम गले को भी काट लेंगे, इस तरह से। यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज के कपड़े को मिलाते हुए चारों तरफ पहले सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हमारा कटिंग है उसी तरह से हम चारों तरफ रखते हुए सिलाई लगा लिए हैं। और ये जो हमने पैटर्न काटा था उसे पेस्टी पेपर को चिपका लिया आयरन से और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा दिए हैं। यहाँ पर हम इसका बीच सेंटर कर लेंगे पहले, और यहाँ पर देखिए ब्लाउज का बीच सेंटर कर लेंगे, और यहाँ पर बीच सेंटर पर निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पर देखिए इस बीच पैटर्न दोनों को हम मिला लेंगे बीच सेंटर को, और जिस तरह से हमारा कटिंग किया हुआ है उसी तरह से हम मोड़ते घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे, इस तरह से देखिए हमने बीच के कपड़े को काट कर निकाल लिया है। और हल्का हल्का कट हम पूरे गले पर लगा लिए हैं। अब देखिए इसे हम इस तरह से पलट लेंगे और कोने को सुई से निकालते जाएंगे, इस तरह से देखिए हम पलट लेंगे और कोने को, हर कोने को सुई से निकाल लेंगे, इस तरह से। तो देखिए हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे गले की। और यहाँ पर देखिए हमने जो गोल्डन कपड़े पर पैटर्न काटा था उसे भी हम अस्तर और इस पैटर्न को रखते हुए मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर हमने कुछ तिरछी पट्टियाँ काटे हैं और इसे गले पर हम इस तरह से देखिए पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब हम इसका बीच सेंटर कर लेंगे इस पैटर्न का, और ब्लाउज का बीच सेंटर को मिलाते हुए अच्छी तरह से पिन अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर ऊपर से हम लैस लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से लैस भी लगा लिया है। और यहाँ पर नीचे का दोनों प्लेट डाल लेते हैं। अब हम नीचे एक कपड़ा लिए हैं करीब 1.5 इंच का है और इसे पाइपिंग बना लिए हैं नीचे। यहाँ पर देखिए हम कुछ सो बटन लिए हैं, उसके ऊपर एक मोती अटैच करते हुए बना लिए हैं। तो देखिए हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।